मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चार चरणों में होना है। दो चरणों में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तीसरे चरण में प्रदेश के 9 संसदीय क्षेत्रों में निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा 15 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के प्रवीण पाठक 16 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे। केवल 5 व्यक्ति ही प्रत्याशी के साथ निर्वाचन अधिकारी कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 22 अप्रैल को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे।